नमस्कार एंड स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्रगढ़ में। जैसा कि मित्रों हमारी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो क्लासेस चल रही हैं वो कंटिन्यू आपको लगभग 7 से 8 क्लासेस मिल रही हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेकर आए आपके लिए आपके जो हिंदी भाषा है उसका प्रथम क्लास है और प्रथम ही अध्याय इसका मित्रों। तो प्रथम अध्याय से लेकर आए हम परीक्षा में आए हुए प्रीवियस ईयर्स में और वर्तमान में आने वाले आपके लिए सभी महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले फ्यूचर वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है, और जितने भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उन सभी का भी स्वागत है अभिनंदन है मित्रों। एक बार बेल आइकन वाइस प्रेस देख लें क्योंकि जब भी हम महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन उसका नहीं मिल पाएगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला ही प्रश्न है, देखो प्रश्न किसी तरह आए बस आपको समझ आना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि प्रश्न आपको किस तरह समझ पा रहे हो आंसर तभी आप दे पाओगे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रसिद्ध राष्ट्रीय रचना कौन सी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह पूछा जाता है कि भारत माता जो गीत दिया हुआ है जो रचना है वो किस किन की है। तो आपको याद रखना होगा कई रचनाओं संबंधी मैंने आपको एक वीडियो अपलोड की है, उसे आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए। तो सुभद्रा कुमारी जी की प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय रचना है वो भारत माता जो संबंधी गीत दिया हुआ था इन्होंने वो इनका काफ़ी प्रचलित हुआ है इसलिए उसे राष्ट्रीय रचना का नाम दिया जाता है भारत माता। ठीक है, नेक्स्ट है जो मुंशी प्रेमचंद जी की किस विद्या को सम्राट की उपाधि प्राप्त है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई जो सम्राट की विद्या मिली है वो किस लेखक को मिली गई है या किस विद्या पर मिली गई है। तो आपको याद रखना होगा कि मुंशी प्रेमचंद जो एक कहानीकार थे उन्होंने काफ़ी कहानी लिखे थे, उपन्यास निबंध भी लिखे थे, लेकिन कहानी की विद्या पर उन्हें सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो मुंशी प्रेमचंद जी को कहानी एवं उपन्यास विद्या में सम्राट की उपाधि प्राप्त है। तो प्रश्न बनेगा तो आप लिख सकते हैं कहानी एवं उपन्यास में उन्हें सम्राट की जो उपाधि प्राप्त है मुंशी प्रेमचंद को। नेक्स्ट प्रश्न है विष्णु जी यानी विष्णु प्रभाकर जी, इनका पूरा नाम है विष्णु प्रभाकर जी के नाम में प्रभाकर कब जुड़ा था। ठीक है, तो यह भी पूछा जा सकता है। तो पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी प्रभाकर परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इनके नाम के साथ प्रभाकर जुड़ गया था। तो विष्णु जी के नाम में जो प्रभाकर जुड़ा था वो पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी प्रभाकर की परीक्षा उत्तीर्ण की इन्होंने, उसके बाद इनके नाम के पीछे प्रभाकर जुड़ गया था। नेक्स्ट प्रश्न है विष्णु प्रभाकर जी किस पत्रिका के संपादक रहे हैं या जो बाल भारती पत्रिका है के संपादक हैं, इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो विष्णु प्रभाकर जी द्वारा जो लिखी गई पत्रिका है वो बाल भारती पत्रिका है और इसके ये संपादक रहे हैं मित्रों। तो प्रश्न कैसे भी बने आपको आंसर देना आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक युग का जन्मदाता क्यों माना जाता है। यह प्रश्न बनेगा कि आधुनिक युग का जन्मदाता है तो आपको जवाब देना होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, और इन्हें क्यों माना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रेरणा से ही हिंदी जनभाषा बनी, उनकी कविताओं में एक और श्रृंगार रस की धारा बहती दिखती और वर्तमान साहित्य की समस्त प्रवृत्तियों का प्रतिफलन उनकी रचनाओं में हुआ है, इसलिए वे हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के जन्मदाता कहे जाते हैं। हिंदी का जो आधुनिक युग है उसके जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि उनकी कविताओं में जो श्रृंगार रस की धारा बहती है और वर्तमान में जो समस्त प्रवृत्तियां हैं उनकी रचनाओं में से ही हुआ है, इसलिए इन्हें आधुनिक युग का जन्मदाता कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। नेक्स्ट प्रश्न है महादेवी वर्मा किस पत्रिका की संपादिका थी या महादेवी वर्मा की रचनाएँ पूछ ली जाती हैं यमा है आदि। तो आपको याद रखना होगा कि महादेवी वर्मा जी ने एक मासिक पत्रिका जारी की थी या उसकी संपादकीय रही थी ये। तो चांद का अवैतनिक जो इसका नाम था पत्रिका का, क्या नाम था, चांद का अवैतनिक संपादन किया था इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रभाकर जी ने किन विद्याओं में लिखा, किन किन विद्याओं में लिखा था। तो प्रभाकर जी ने हिंदी में लघु कथा लिखी थी, संस्मरण लिखा था, लेखा चित्र लिखे थे, रिपोर्टाज की जो अनेक विद्याओं का वर्णन इनके द्वारा किया गया था। तो प्रश्न यहाँ से भी लिख बन जा सकता है कि संस्मरण विद्या है या रेखा चित्र विद्या है या रिपोर्टाज है, ये सभी प्रभाकर जी की विद्याओं हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका रसकान किसके भक्त थे या यह पूछा जा सकता है कि रसकान के गुरु जी कौन थे। तो रसकान को प्रेम कृष्ण भक्ति शाखा के कवि के रूप में जाना जाता है या विकसित हुआ था वो प्रेम यानी प्रेम कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। नेक्स्ट है आपका तुलसीदास की सुप्रसिद्ध रचना कौन सी है तथा उनके इष्ट देव कौन हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यूपी टेट में तो कई बार पूछा गया है। तुलसीदास की जो
प्रसिद्ध रचना है वो रामचरितमानस है, और उनके जो इष्ट देव हैं वो श्री राम प्रभु हैं, यानी श्री रामचंद्र जी प्रभु श्री राम उनके इष्ट देव माने जाते हैं, उन्होंने माना था उनको, और उनकी जो प्रमुख रचना थी वो रामचरितमानस है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास जी ने अवधी भाषा के किस काव्य की रचना की, या अवधी भाषा का तुलसीदास द्वारा रचित काव्य था, इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो तुलसी जी ने जो अवधी भाषा में जो रचना की थी उस काव्य का नाम था रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस था, जो किस भाषा में लिखा हुआ था, अवधी भाषा में, किसके द्वारा लिखा हुआ, तुलसीदास जी के द्वारा। कैसे भी प्रश्न पूछे, कितना भी घुमाए, बस आपको आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वीणा वादनी वरदे पंक्ति के रचयिता कौन है। कई बार क्या होता है, कुछ पंक्तियाँ दी जाती हैं और उनके रचनाकारों को पूछ लिया जाता है, तो कुछ पंक्तियाँ भी आपको याद होनी चाहिए कि वीणा वादनी जो वरदे, जो पूरी एक कविता है उसकी जो पंक्तियाँ हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी द्वारा दी हुई हैं। तो वीणा वादनी वरदे पूरी कविता है एक, ठीक है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी जिन्हें या निराला जी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, पंक्ति के रचयिता कौन है। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, तो ये जो पंक्ति लिखी गई है जो कि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई है। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, जो इसके रचयिता हैं तो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी किस युग के कवि थे। तो जो रामनरेश त्रिपाठी जी थे वो द्विवेदी युग के कवि थे। अगर यहीं पर पूछा जाता है कि द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था तो महावीर द्विवेदी युग का हुआ था, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य गुरु का नाम बताइए। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका काव्य गुरु है, या जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं वो किसके काव्य गुरु हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के काव्य गुरु के नाम माखनलाल चतुर्वेदी था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, और यह भी पूछा जा सकता है कहां पर हुआ था। तो आपको याद रखना है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था, इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। कहां पर हुआ, इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। कब हुआ था, सन 1905 में हुआ था सुभद्रा कुमारी जी का जन्म। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य के अलावा गोपाल सिंह नेपाली किस क्षेत्र में काम किया था। तो साहित्य में तो इन्होंने क्या काम किया था, जैसा कि प्रश्न बता ही रहा है कि साहित्य के अलावा गोपाल सिंह नेपाली ने किस क्षेत्र में काम किया था। तो साहित्य के अलावा गोपाल सिंह नेपाली ने फिल्म निर्माता निर्देशक होने के साथ पत्रकारिता एवं संगीत क्षेत्र के में भी काम किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, गिरिजा कुमार माथुर की रचना है, या यह पूछा जाता है कई बार रचना दी होती है किस लेखक की या किस रचनाकार है। तो आपको याद रखनी होगी कि गिरिजा कुमार माथुर की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो नाश और निर्माण है, धूप के धान है, शिला पंख, चमकीले, भीतर नदी की यात्रा, काव्य संग्रह, जन्म कैल जो नाटक था, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं जो कि आलोचना है। काफ़ी इन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं की थी जो कि हैं। नेक्स्ट है आपका, मीराबाई की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो मीराबाई की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जो कि नरसिंह जी का मायरा है, राग गोविंद है, सोठा में पद तथा गीत गोविंद को आदि, ये इनके द्वारा ही लिखी हुई रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली की रचनाएं लिखिए। तो देखिए, कोई भी रचना पूछी जाए या रचनाकार नाम पूछा जाए तो बस आपको कुछ रचनाएं याद रखनी है जो कि मोस्टली एग्जाम में रिपीट होती हैं, जैसे तुलसीदास जी की हैं, मीराबाई की हैं, महादेवी वर्मा जी के हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के, दिनकर जी के हैं, और पंत जी के हैं, मुंशी प्रेमचंद जी के, मोस्टली इनसे ही प्रश्न बन जाता है। तो गोपाल सिंह नेपाली की रचनाएं जो है, गोपाल सिंह नेपाली जी की कि उमंग है, रागनी तथा नीलिमा है, पंची है, पंचमी है, सावन, कल्पना, आंचल, नवीन, रिमझिम तथा हमारी राष्ट्रवाणी प्रमुख जो कि इनकी रचना है श्री गोपाल सिंह नेपाली जी की। नेक्स्ट है, पंत जी की रचनाओं का वर्णन कीजिए, सुमित्रानंद पंत, ठीक है, इन्हें प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है, याद रखना। सुमित्रानंद पंत जी की प्रमुख रचनाएँ हैं वीणा ग्रंथ, पल्लव गुंजन, युगांत, युगवाणी, युगवाणी तो कई बार पूछा गया, याद रखना है युगवाणी को, तो सुमित्रानंद पंत की है। ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, अतिमा वाणी, और जो कि चिदंबरा, कई बार इन्होंने इन पर पुरस्कार भी प्राप्त है इन्होंने हिंदी साहित्य का। कला और बूढ़ा चांद और लोकायतन, ये आदि सभी क्या हैं, पंत जी की रचनाएँ हैं। ये भी पूछा है कि इन पर कित पर इन्हें हिंदी साहित्य में पुरस्कार मिला है, तो आपको बताना है चिदंबरा पर। नेक्स्ट है, बिहारी को रीति सिद्धि
कवि कहा जाता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो बिहारी लाल रीतिकाल के सिद्धि धारा के एकमात्र कवि होते थे या सिद्ध होते हैं। उन्हें या उन्होंने जो औचित्य थे कि कामना कभी नहीं की, कभी भी लक्षणों को स्पष्ट करने का उद्देश्य लेकर उन्होंने लक्षण संबंधी दोहे नहीं लिखे, किंतु श्रृंगार के प्रभाव में उनके काव्य में विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के लक्षण तथा नायिका भेद के लक्षण स्वतः ही उपस्थित हो गए थे। ठीक है, इसलिए इन्हें रीति सिद्ध कवि कहा जाता था। नेक्स्ट है, शुक्ल जी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम लिखिए। तो शुक्ल जी द्वारा जो संपादित पत्रिका है उसका नाम नगरी प्रचारणी है। तो इनका पूरा नाम पूछा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो संपादित पत्रिका थी वो नगरी प्रचारणी है। या पूछा जाएगा कि नगरी प्रचारणी की संपादक हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट है, माहेश्वरी देवी की कथात्रयी की रचनाओं का नाम लिखिए। तो माहेश्वरी देवी की जो प्रसिद्ध कथात्रयी थी, पहली कड़ी प्रथम प्रतिश्रुति तथा बाद की कड़ी सुवर्णलता और बकुल कथा है। ठीक है, याद रखनी है प्रथम कड़ी, बाद की कड़ी, दोनों ही कड़ियाँ याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका, काकर पाथर जोर के मजद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे क्या कर क्या बहरा हुआ खुदाए। इस पंक्ति के रचनाकार हैं, काफ़ी रिपीटेड पंक्ति है ये, और इसे आप याद रख लिए। काकर पाथर जोर के मजद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे क्या कर क्या बहरा हुआ खुदाए। तो ये पंक्ति काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होती है और 2018 में रिपीट हुई है। तो काकर पाथर जोर के मस्जिद ली बनाए, ता चढ़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं या रचयिता हैं वो कबीर दास जी हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आपका, मैथिली शरण गुप्त के ने किसके शिष्यत्व में काव्य लेखन का कार्य किया था। तो मैथिली शरण गुप्त, अगर इनके गुरु का भी नाम पूछ लिया जाता है तो ये शिष्य थे। ठीक है, इनके गुरु का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी थी। ठीक है, तो मैत्री शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी के शिष्यत्व में काव्य लेखन का कार्य किया गया था। कई बार इनके गुरुदेव का नाम यानी गुरु का नाम पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है इनके गुरुजी का नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट है, आगरा विश्वविद्यालय द्वारा मैत्री शरण गुप्त को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी। तो आपको याद रखना है, आगरा विश्वविद्यालय द्वारा जो मैत्री शरण गुप्त को जो उपाधि दी गई थी वो डी लिट की मानक की उपाधि दी गई थी। ठीक है, डी लिट मानक की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त अपनी किस रचना के कारण राष्ट्रीय कवि कहे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, मोस्टली इम्पोर्टेंट है भारत भारती, जिसके कारण इन्हें राष्ट्रीय कवि की दर्जा मिला था। तो मैथिली शरण गुप्त अपनी भारत भारती रचना के कारण राष्ट्रीय कवि कहे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि कैसे कहा जाता है। प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये। तो प्रकृति के सुकुमार, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाती है भाई कि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा संपादित पत्रिका है। तो सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा जो संपादित पत्रिका है वो रूपामा है, इन्होंने रूपामा का संपादन किया था। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों, जो महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड हमारे हिंदी के अति लघुतर प्रश्नों की सीरीज है, जो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये सीरीज पसंद आई तो सभी जितने भी हमारे यूपी डीएलएड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं भाई बहन को, सभी को इस वीडियो को करेंगे शेयर एंड लाइक। अगर आपने अभी तक अपने परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निसंकोच होकर अपने चैनल को, अपने परिवार को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वैसे दबाएँ, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए भी यूपी टेट जो चल रहा है हमारे चैनल पर, यूपी टेट महासंग्राम सी टेट, तो उन सभी आगे जो भी शिक्षक भर्ती आती हैं उन सभी के लिए आपके लिए बेहतर तरीके से आपको प्रिपेयर किया जाएगा। क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका यूपी टेट सी टेट क्लियर होना चाहिए, यही हमारा ध्येय है। क्योंकि हमारा तो एक ही सपना है, हर घर में हो शिक्षक अपना। नमस्कार मित्रों।